युवा मोर्चा ने आज जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जयपुर एवं कोटा के बीच चलने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों का निवाई में ठहराव की मांग की गई है। कोटा से जयपुर एवं जयपुर से कोटा जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बसें जो कि वाया निवाई चाकसू जानी होती है, वह रोडवेज कर्मचारियों एवं ड्राइवरों की मनमानी के चलते निवाई से अंदर से नहीं जाते हुए सीधा बाईपास से चाकसू एवं जयपुर के लिए निकल जाती हैं, जिससे निवाई में रहने जाने वाले विद्यार्थी जो टोंक और जयपुर की यात्रा करते हैं उनको कई समस्या का सामना करना पड़ता है। निवाई तहसील में भारत की विख्यात वनस्थली विद्यापीठ एवं डॉक्टर के एन मोदी जैसे बड़े विश्वविद्यालय भी हैं, जिसमें कई हजार बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं। परिवहन बसों का निवाई में ठहराव न होने के से बालिकाओं को भी कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। राजस्थान रोडवेज की मनमानी का ऐसा हाल है कि रात्रि के समय भी बसें अंदर से नहीं आकर सवारियों को बाईपास पर ही उतार देती हैं, जो कि निवाई शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में रात्रि में साधन के अभाव में कई लोगों को पैदल आना जाना पड़ता है। रात्रि के समय असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार सवारियों को परेशानी भी हुई है, जिससे कई बड़ी घटना जैसे लूटपाट होने के भी आसार बने रहते हैं। किसी घटना के होने का इंतजार न करते हुए निवाई शहर के बाहर एवं गुंसी पुलिया पर से जाने वाली बसों को निवाई शहर के अंदर एवं लोकल बसों को गुंसी पुलिया के नीचे गांव में जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे आम जन को समस्या का सामना न करना पड़े। जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो इसको लेकर भविष्य में आंदोलन भी किया जाएगा। विद्यार्थी एवं रोजगार के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों के साथ इस तरह से होने वाली परेशानियों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो वह सहन करने योग्य नहीं होगी। अगले 7 दिनों में समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निवाई टोक से हमारे संवाददाता सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। पिछले 4-5 साल से निवाई शहर के अंदर जितनी बसें आती है वो सभी बसें बाईपास होकर निकलती है। चलो दिन में मान लो बाईपास से बसें जाते, दिन में तो चलो कोई साधन मिल जाते, लेकिन रात के टाइम पे कोई साधन नहीं मिलता। महिला बच्चों बुजुर्गों को पैदल आना पड़ता है, ये आम लोगों की समस्या है। अगर इस पे हमने प्रशासन को आज चेतावनी दी है, अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो निवाई फिर वापस जाम होगा। जी तहसीलदार साहब ने कहा कि हम आज ही नोटिस जारी करवा के सभी डिपो से बातचीत करके और निवाई शहर के अंदर जो पूरी बसें आई वो चालू करवाएंगे।